मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर सूर्य नारायण रसवी इस परिचय के माध्यम से कहते हैं कि हमारे मुख से जो शब्द उच्चारित होता है उस शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, संस्कारों और समझ को दर्शाता है। हमारे मुख से निकलने वाला जो शब्द है, ऐसे शब्दों का हम जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद इस शब्द से हमारे वैचारिक व्यक्तित्व को दर्शाया जाता है। जैसे अर्थपूर्ण बोलना और अर्थपूर्ण लेखन करना, उसे लिखना, ये एक वक्ता की या उस शब्द संपदा के मालिक की एक मौलिकता या एक कला होती है। तो ऐसे शब्द का किस प्रकार हमें प्रयोग करना है, किस स्थान पर प्रयोग करना है, किस जगह करना है, तो हमें उसके पूर्व सोचना जरूरी है। हम किस स्थान पे किस विषय को लेकर उस शब्दों का प्रयोग हम हमारे वक्ता में बोलते हैं, जो करते हैं शब्दों का प्रयोग करने के पहले हमें सोचना जरूरी है। तो ऐसे शब्द हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ऐसे शब्द हमारे अनुभव से, मार्गदर्शन से, हमारे वाचन से, हमारे संस्कारों से ऐसे शब्दों को हम सीख सकते हैं। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो अच्छे शब्द हमें प्रयोग करने के बाद हमारे परीक्षा में उसकी श्रेणी उच्चतम मिल जाती है, लेकिन अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करने से वह बहुत ही हानिकारक हो जाता है। हमारे दोस्त परिवार में, मित्र परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में हम जब शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे उस संबंधों में बहुत ही ऐसी कठिन दरार पड़ जाती है। तो ऐसी दरार न पड़े इसलिए सही शब्द का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सही शब्द का प्रयोग करने के लिए हर एक आदमी की स्वयं ऐसी शब्द संपदा होती है। तो स्वयं शब्द संपदा विकसित करने के लिए हमें विश्वकोश का पठन करना चाहिए। विश्वकोश से हमने हर एक पन्ने का एकाग्रता के साथ उसे पढ़ना चाहिए। रोज एक पन्ना पढ़ने से हम उसे एकाग्रता से पढ़े तो हमारी शब्द संपदा और भी बढ़ जाती है और इस शब्द संपदा से हम मालिक बन जाते हैं। जैसे अन्य शब्द से हमें जब हमारा शब्द संपदा का भंडार जब विकसित हो जाता है, ये संसार जो विकसित हो जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व और भी विकसित हो जाता है। इस मनुष्य संस्कार को जिस आदमी ने, जिस व्यक्तित्व ने, दार्शनिक विचारधाराओं ने साहित्य जगत के लिए विकास के जो अहम कदम रखे है, ऐसे दार्शनिक विचारधाराओं का जो व्यक्तित्व हमारे लिए एक अहम हिस्सा बन चुका है, हमारे गले का ताबीज बन चुके हैं, ऐसे दार्शनिक विचारधारा एक इसलिए बन चुके हैं, तो उन्होंने अच्छी शब्द संपदा स्वयं के लिए विकसित किए, उसका सही प्रयोग करना अपने साहित्य के लिए शुरू कर लिया है। जब ऐसे दार्शनिक विचारधाराओं का हम पठन करते हैं तो हमारे ज्ञान के क्षेत्र में वो और भी विस्तृत हो जाता है, हम उस शब्द संपदा के मालिक बन जाते हैं। रोज एक पन्ना पढ़ने से हमारी वाचन संस्कृति और भी विकसित हो जाएगी। हमारी वाचन संस्कृति को हमें बढ़ाना है, हम उसके मालिक बन सकते हैं। ऐसा इस परिचय के माध्यम से डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे ने शब्द संपदा से हमें बताया है, इसका हमें सही प्रयोजन करना उचित होगा। धन्यवाद।